हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आ चुके हैं हमारे एक और गेम प्ले के साथ। तो आज मैं उतरा था ओल्ड बेसिन में और मुझे यहाँ पे उतरते ही देखे क्या मिलता है। तो मैंने जैसे इस घर में उतरा तो मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा लूट नहीं मिली, यहाँ पे VSS मिली थी। VSS लेके मैं यहाँ पे आता हूँ आगे तरफ, तो मुझे यहाँ पे एक शॉट गन मिलती है। जैसे मैं शॉट गन उठाने लगता हूँ तो मुझे एक और बंदे को उतरने की फायर के निशान देते हैं। जब जैसे मैं उतरता हूँ तो यहाँ पे एक बंदा मिलता है, तो मैं यहाँ पे शॉट गन की तिगाने की कोशिश करता हूँ तो उसका लगता नहीं है शॉट। मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझ नहीं आता है, इसके तीन तीन शॉट दिए, फिर तीन शॉट मारने के बाद में नो खत होता है बंदा, समझ नहीं आता है क्या हो जाता है ये। उसके बाद में बाहर की तरफ का मुझे बदला दिखता है, उस धल्ले को फिनिश करता हूँ। ऐसे मुझे पीछे से एक और बंदे का मतलब धल्ले के फायर के निशान आते हैं, तो मैं यहाँ पे जल्दी से जाता हूँ। यहाँ पर मैं इस धल्ले को फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद में घर यहाँ से थोड़ा बहुत लूटता हूँ, तो मुझे यहाँ पे या तो कुछ मिलता नहीं, पीपी मिलती। इतनी देर में मुझे एक बग्घी की आवाज़ आ जाती है, तो यहाँ से मैं इस बंदे को डैमेज देता हूँ। तो जैसे मैंने इसको मारा, ये गाड़ी से उतर चुका था, तो इसकी देर में तो मुझे एक कुर लगे फायर के निशान, फायर के निशान। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बंदा था कुछ इस टाइप से, मुझे यहाँ पर देता हूँ। मैं कैम में 3x लगा के सीधा इसको हेड देता हूँ, यहाँ पे नॉक हो जाता है। इसका टीममेट पता नहीं कहाँ था, तो टीममेट तो था नहीं। फिर यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, यहाँ पर कुछ आसपास बंदे थे नहीं, तो हम जल्दी से निकलते हैं। मेरा भाई था जो आगे निकल चुका था। जैसे आगे की तरफ आता हूँ तो ट्रिपल स्कोर में मुझे एक धल्ला दिखता है। क्या सोच रहा था ये, कुछ ना कुछ तो टेंशन थे इसको, ये पता नहीं कुछ ना कुछ तो सोच ही रहा था ये धल्ला। धीरे धीरे मैं इसको पहुँचा देते हूँ। तो जैसे गाइस मैं आगे की तरफ आता हूँ, जो मुझे यहाँ पे एक एयर ड्रॉप मिलता है, तो यहाँ पे मुझे AWM मिली थी एयर ड्रॉप में से, तो मैं AWM जल्दी से ले लेता हूँ। धीरे मेरा भाई ना ले ले, मैं आगे की तरफ आता हूँ। आई गॉट सप्लाइज। फिर मैं जैसे गाड़ी लेता हूँ तो मैं वो जो सप्लाई लगाता है एयरटेक्स स्कोप, तो मेरे एयरटेक्स स्कोप अभी 6x था मेरे पास एयरटेक्स में, बात काम आ रहा है। पर मुझे जैसे मैं गाड़ी लेता हूँ तो मैं आगे की तरफ फायर देता हूँ। तो जैसे मैं सो डैमेज देता हूँ, इतनी देर में मेरा भाई उसको फिनिश कर देता है। तो मैं घूम फिर के आगे की तरफ आता हूँ, यहाँ पे एक बोट में जाता हूँ। बोट को मैं डाउन करके जैसे आया सेंट्रल रोड के पास में जो वेयर हाउस है वहाँ पे आते हैं, तो जैसे मैं आगे आता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक बंदा अंदर की तरफ भागते हुए दिखता है। मेरा भाई अंदर जाता है, उसको डैमेज देता है और इतनी देर में मेरा किल कंफर्म हो जाता है। ये तो मेरा भाई मेरे पर मोली फेंकता है क्योंकि मैं उसका किल चुरा लिया था शायद। तो मोली मेरी लगती नहीं, इतनी देर में फिर आगे आते हैं गाड़ी लेके। तो यहाँ पे मुझे फायर के निशान आ रहे थे, तो मेरे भाई को कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी मच रही थी, वो आगे की तरफ गया। और यहाँ पे मुझे एक बंदा भगते हुए दिखता है, तो उतनी देर मेरा भाई इसको फिनिश कर देता है। वो खेल मेरे को नहीं मिल पाया। फिर यहाँ पे एक धल्ला दिखता है, धल्ले को फिनिश करके जल्दी से यहाँ से गाड़ी लेके निकलते हैं हम। तो मैं उसको बोलता हूँ तू ड्राइविंग कर, फिर वो ड्राइविंग करता, वो कुछ ज़्यादा हीवी ड्राइवर था, तो उसने गाड़ी पानी में कूदा हुई थी। तो फिर मुझे एक और बंदा दिख जाता पानी में, पर वो कोई मतलब का नहीं था, पानी में गिरा दी थी गाड़ी। फिर बंदा मुझे डैमेज देता हूँ, फिर जल्दी से डीपी लगा, स्पायर लगा, तो स्पायर से डैमेज देता हूँ। और वो बंदा जैसा कि होना चाहिए तो हो चुका है, मेरा भाई ने मेरा किल चुरा लिया है, उसने मेरा बदला ले लिया था। यहाँ पे मैं पानी में जो बंदा जा रहा था उसको मैं डैमेज देता हूँ, फिनिश हो जाता है। फिर मैं ऊपर थड़ी लेके तरफ आता हूँ, तो मुझे लगता है यहाँ पे कोई बंदा होगा, पर यहाँ पे कोई बंदा था नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि ऊपर छत पे जाके देखता हूँ आराम से, ऊपर से कोई बंदा दिख ही जाएगा। तो जैसे कि मैं सोचता हूँ स्कोप लगा के आगे आगे भी सकते जाते हैं तो बंदे दिख ही जाएगा, वो मुझे बंदे दिख भी जाते हैं। आगे की तरफ एक बंदा भागते हुए दिखता है, इस बंदे को मैं डैमेज देके नॉक कर दिया था, उसका साथी भी होगा क्योंकि हम डुओ खेल रहे हैं। तो मैं अपने भाई को बोलता हूँ तो आगे की तरफ जा, मेरे भाई बोल रहा होगा। फिर मैं उसको टैप टैप करके वापस से डैमेज देता हूँ। और फिर से नॉक हो जाता है। फिर मैं अपने भाई को जैसे बोलता हूँ कि तो आगे की तरफ, वो आगे की तरफ बीच जाता है और वो उस बंदे को फिनिश कर देता है। और हमारे यहाँ पे केच चिकन डिनर हो चुका था। थैंक
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।